क्लास नाइन्थ कैसे भी आप लोग भैया, पिछले वीडियो में आपको फैक्टर थ्योरम बताया था ना, क्वाड्रेटिक का ना, कैसे फैक्टर निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह देख लिया था। आज फिर आराम से देखो, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला आगे भी आएगा जब हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन का। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा इसका यूजिंग फैक्टर थ्योरम है। तो फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, फैक्टराइज कैसे करोगे। अगर एक बात बताओ, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ये हो गया पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये कांस्टेंट टर्म को आप देखिए, कांस्टेंट टर्म को क्या है, टू है ना, टू। तो फैक्टर ऑफ टू क्या क्या होता है, फैक्टर ऑफ टू, टू किसी किसे डिवाइड होता है, तो ये हो गया तुम्हारा वन से एंड टू से, साथ में प्लस माइनस भी। आपके पास चार ऑप्शन होंगे, वन माइनस वन, टू माइनस टू। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ये बताया हुआ है, कोई बात नहीं, दोबारा दोबारा हो जाएगा। अगला देखो, वन रख के देखता हूँ, माइनस माइनस भी है बीच बीच में, तो पॉजिटिव रखा जा सकता है। वन वन रख के देखिए, तो वन का क्यू वन, वन समझ लो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, प्लस टू, ये हो गया जीरो। तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू वन, इसका एक जीरो जीरो है, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन सेटिस्फाई, ऐसे लिख लेता हूँ। आपको पता है यहाँ पे एक्स क्यू है ना, तीन तीन वैल्यू निकलेगा ना, एक निकलेगा, एक फैक्टर निकलेगा वन की वजह से। अब माइनस वन रख के देखता हूँ, मैं माइनस रख ही देता हूँ, चलो माइनस वन। तो जहां जहां एक्स है माइनस वन, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस माइनस वन प्लस टू, तो कितना हो गया, वन हो गया भाई, माइनस में माइनस माइनस वन का स्क्वायर, तो ये ऐसे ही हो गया प्लस वन और प्लस टू है ना, ये भी जीरो हो गया। इसका मतलब देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस वन है ना, और देयरफॉर माइनस वन है एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर। चलिए एक और निकल गया, एक एक्स माइनस वन निकल गया, एक एक्स प्लस वन, तीन होना चाहिए, दूसरा ढूंढते हैं। अब टू रख के देखते हैं, टू पी टू, एक्स की जगह टू रख के देखो, देख रहे टू का क्यू माइनस टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस टू, जहां जहां एक्स था वहां पे टू रखा, ये एट होता है, टू स्क्वायर फोर, फोर टू जा एट माइनस टू प्लस टू, ये पूरा जीरो हो गया। देयरफॉर एक्स इक्वल टू टी टू इज ऑल्सो फैक्टर, मतलब एक्स माइनस टू, तीनों निकल गया। अब उसको पुट करने की जरूरत नहीं, तीन ही होता है, उसको रखने का फायदा भी नहीं है, तीन होता है तीन निकल गया। देयरफॉर तो क्या फैक्टराइजेशन करो, तो क्या फैक्टर बन गया, एक एक्स माइनस वन बन गया और एक एक्स प्लस वन बन गया और एक क्या बन गया, एक्स माइनस टू इक्वल टू दिस, ये बताया था फैक्टर करो, ये देखो मैंने बताया था, ठीक। अब देखो दूसरा तरीका बताओ, ध्यान से सुनना, दूसरा तरीका है, डबल सुनो, आपको याद है पिछले वीडियो को ढंग से देखोगे तो उसने दस दस ऑप्शंस आ गया था ना, ये रखेंगे वो रखें, जैसे मैं एक क्वेश्चन ही दे रहा मान लो एक क्वेश्चन। अब दूसरा तरीका देखना, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन, इसको ध्यान सुनो, आप यही यूज करना है ना, यही यूज करना, फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मान लो, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस माइनस थर्टीन एक्स प्लस फिफ्टीन माइनस थर्टीन एक्स प्लस फिफ्टीन फिफ्टीन, अब ये क्वेश्चन है, इसका फैक्टराइज करना है। अगर एक बात बताओ, अभी तक इसके तीन वैल्यू आना चाहिए था, यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट क्या हो गया, फिफ्टीन, फैक्टर ऑफ फिफ्टीन, फैक्टर ऑफ फिफ्टीन, पंद्रह के कौन कौन से फैक्टर बनते हैं, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं, फैक्टर ऑफ 15 बताओ, फैक्टर किससे डिवाइड होता है, 1 से 3 से 5 से और 15 से, तो जरा देखो, तो प्लस माइनस ये दो, प्लस माइनस ये दो, ये दो और ये दो, टोटल कितना हो गया, चार प्लस में चार माइनस में आठ हो गया ना। अब आठ में से तीन ढूंढना है, तो
थोड़ा थकाने वाला काम नहीं है, हैक्टिक शेड्यूल हो जाएगा हर एक को पुट करो तो बस आपको एक काम करना है, खाली एक का तुम पता कर लो, एक का फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड, एक का पता कर लो, एक फैक्टर पता हो जाए इसको डिवाइड करके बाकी के दो पता हो जाएगा। कैसे? सुनो मैं वन रख के देखता हूँ, पी वन समझ रहे हो ना, किसमें रखना पी वन, ठीक है वन रख के देखिए, तो वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू वन का स्क्वायर माइनस थर्टीन इंटू वन प्लस फिफ्टीन, देखता हूँ जीरो रखे वन माइनस थ्री माइनस थर्टीन प्लस फिफ्टीन, ऑब्वियस है जीरो हो रहा है, तो देयरफॉर वन रखा है, एक्स इक्वल टू वन सेटिस्फाई किया, ये सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है तो देयरफॉर एक्स माइनस वन, एक फैक्टर पता चल गया, इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर है माइनस एक, बाकी का अब पुट करने की जरूरत नहीं, अब डिवाइड करके पता करेंगे कैसे करते हैं, ऐसे एक्स माइनस वन फैक्टर निकल गया, इस एक्स माइनस वन से सबको डिवाइड करो, क्या था एक्स क्यूब माइनस थ्री, या फिर तो और एक्स माइनस वन एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस फिफ्टीन, इसको मैं डिवाइड करूं, डिवाइड करना भी सीख लो, सिखा दो एक्स क्यू है ना, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स क्यू आएगा, एक्स स्क्वायर से, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मैंने क्या बोला था साइन चेंज करो, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस करो, ये और ये कैंसिल हो गई, ये भी एक्स स्क्वायर ये भी माइनस और प्लस, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस फिफ्टीन, अब किससे करोगे, मुझे माइनस टू एक्स स्क्वायर चाहिए, जरा देखो तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस टू एक्स इंटू माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स, साइन चेंज कैंसिल, कितना हो गया माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस फिफ्टीन, अब ये माइनस फिफ्टीन एक्स लाना है तो माइनस फिफ्टीन कर देता हूँ, ध्यान से देखना बाउंड्री, तो क्या हो गया माइनस फिफ्टीन एक्स और माइनस माइनस प्लस फिफ्टीन, साइन चेंज प्लस माइनस सारा का सारा जीरो हो गया, नहीं हो गया, अब जरा देखो ध्यान से सुनना, हमने क्या करा था, एक फैक्टर हमने निकाल दिया था, कैसे अंधेरे में पत्थर मार के, बताया था, अब हम अंधेरे में पत्थर नहीं मारेंगे, अब बकायदा लाइट ऑन करेंगे और बंदा ढूंढ के सर पे मारेंगे पत्थर, वो कैसे डिवाइड करके, अब जरा बताइए क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या निकल गया, क्वेश्चन इसको क्यू एक्स से डिनोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फिफ्टीन, तो बाकी का जो दो है ना, बाकी का दो यहां से आएगा, इसको फैक्टराइज करते हैं, और आपको बताया था मिडिल का स्प्लिट करने का, और इसकी आदत डालो आगे आगे कम से कम 10 बार ये बताने वाला हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आगे पूरा चैप्टर पढ़ोगे इसमें कई बार आएगा, सब बार बताऊंगा, फिलहाल देख लो इसका फैक्टराइजेशन करना है कैसे करोगे, तो तरीका क्या है बताया था, यहाँ पे 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करो 15 से, माइनस प्लस का चिंता मत करना 15, ठीक है 1 इंटू 15 माइनस भूल जाओ, 15 कैसे कैसे आ सकता है, 1 इंटू 15 से आ सकता है 15 आगे भी, 3 इंटू 5 से आ सकता है, और कोई तरीका है क्या, अब ये मत कहना 3 गुना 5 15 तो 5 गुना 3 मत लेना, दोबारा दोबारा 3 5 ले लिया तो 5 लेने की जरूरत नहीं है, अब मिडिल में क्या अगर बताओ तो मिडिल में क्या है, मिडिल में क्या, मिडिल किसको कहते हैं जो एक्स के साथ रहता है, माइनस 2 है ना, पर माइनस छोड़ दो 2, अब बताइए किसको जोड़ दे, या प्लस या माइनस करने पे 2 आते हैं, इनको प्लस करोगे 16 माइनस करोगे 14 आएगा, इसको प्लस करोगे 8 आएगा माइनस करोगे 2 आएगा, तो ये 5 और 3, क्योंकि जरा देखिए ध्यान से सुनना, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 है ना, इसका जो डिफरेंस है, अब आगे थोड़ा देखो कैसे लिखोगे इसको, इसको कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर ये देखो एक्स स्क्वायर 2 है ना, 2 को 5 और 3 लिख दो, 5 और 3 साथ में एक्स एक्स डाल दो, लास्ट में क्या था माइनस 15, सब कुछ लिख दिया, अगले एक बार बताओ सवाल, यहाँ पे माइनस है ना, तो बड़े वाले के साथ माइनस करोगे छोटे वाले के साथ प्लस करोगे, बताया था दोनों को ऐड करके देखो माइनस टू एक्स, अब यहां से क्या कॉमन लोगे, इस दोनों से क्या कॉमन लोगे, एक्स, तो क्या हो गया एक्स माइनस फाइव
यहां से क्या कॉमन लोगे 3, तो क्या हो जाएगा x माइनस फाइव, x माइनस फाइव कॉमन लीजिए x माइनस फाइव और क्या हो गया x प्लस थ्री, दो फैक्टर जिंदा हुआ। तो कौन कौन से फैक्टर बन गए देखो, therefore हमारा क्या था, पता नहीं क्वेश्चन क्लियर कर दिया, फैक्टर एक क्या था, एक तो फैक्टर आ गया हमारा x माइनस वन और एक फैक्टर आ गया x माइनस फाइव और एक x प्लस थ्री, एक फैक्टर शुरू में यही था, इसी से डिवाइड किया था कि नहीं डिवाइड किया था। एक और क्वेश्चन बना देता हूं, ध्यान से सुनना इसको, ध्यान से देखिएगा, एक और क्वेश्चन बना देता हूं। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना बहुत आसान होता है, कुछ बच्चों के लिए तो बहुत आसान हो सकता होता है, कुछ बच्चों के लिए भारी पड़ता है कि ये क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, अच्छा एक बड़ा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, ये तो फिर भी इजी है, एक बड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ जो थोड़ा ढंग का हो, हाँ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी थ्री एक्स स्क्वायर, ट्वेंटी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन फोर्टी टू एक्स प्लस वन फोर्टी टू एक्स प्लस वन ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी माइनस वन ट्वेंटी बल्कि माइनस वन ट्वेंटी, इसको फैक्टराइज करना है। मैंने बताया था ना किसमें नजर, कॉन्स्टेंट टर्म पे नजर रखू, एक सौ बीस, बताओ फैक्टर ऑफ 120 क्या होता है, फैक्टर ऑफ 120 किसे डिवाइड होता है, वन से तो सारी दुनिया हो जाती है, प्लस वन से हो गए, ये टू से डिवाइड होता है, थ्री से भी, फोर से भी, फाइव से भी, सिक्स से भी, एट से भी, टेन से भी, ट्वेल्व से भी, फिफ्टीन से भी, ट्वेंटी से भी, हाई हाई थर्टी से भी, सिक्सटी से भी, फोर्टी तो रह गया, फोर्टी से भी, सिक्सटी से भी, साथ में 120, आपको तीन ढूंढने हैं, कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह तो यही हो गया, पंद्रह प्लस पंद्रह माइनस टोटल तीस हो गया, बताओ दुनिया में यही काम रह गया क्या, इसीलिए आए हो क्या, समय प्लस माइनस प्लस माइनस, तीन ढूंढने क्योंकि क्यूब है, उस तीस में से तीन ढूंढने क्या तरीका लगा है, एक को आप ढूंढो खाली, पहला मैं रखता हूं पी वन, खाली आप एक को ढूंढ लो, वन रखता हूं, वन का क्यूब वन होता है, ट्वेंटी थ्री वन का स्क्वायर प्लस वन फोर्टी टू इंटू वन माइनस वन ट्वेंटी, देखो जहां जहां एक्स का मान वन रख दिया, अब ये देखिए तो मुझे तो ये जीरो दिख रहा है ना, जीरो है ना, देखो हो गया काम, इसके बाद डिवाइड कर दो, इसका मतलब वन एक्स इक्वल टू वन, देयर फोर देयर फोर एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, एक फैक्टर पता चल गया एक्स माइनस वन, बाकी का कैसे निकालोगे, x माइनस वन से बाकी को डिवाइड कर दो, उम्मीद है यहां तक हो जाएगा भाई, चलिए एक काम करो समझ लो, x माइनस वन से हम डिवाइड करेंगे, तो एक काम करता हूं, क्या था यहां पे x क्यूब माइनस ट्वेंटी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन फोर्टी टू एक्स माइनस वन ट्वेंटी, ठीक है, इसको मैं यहां पे शिफ्ट कर लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन फोर्टी टू एक्स माइनस वन ट्वेंटी, अब ये देखो ये आ गया तुम्हारा, है ना, अब इसके तीन तीन फैक्टर बने थे, एक बन गया, इसकी इसका हेल्प लेके हम एस डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करके यहाँ पे लिखेंगे, हमें एक्स क्यूब चाहिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स माइनस वन तो माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो रे साइन चेंज, मैंने आज दो दुकान से आज दो दिन बाद दुकान खुला हुआ था, ये दो मार्कर लेके आया, आज लिखने में बड़ा मजा आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो गया माइनस ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी थ्री प्लस एक्स प्लस वन फोर्टी टू एक्स माइनस वन ट्वेंटी, ठीक है, इधर तुम देख चुके हो ना, इसको मिटा दें कि कैसे आ रहा है, देख चुके हो, अब देखिए जरा यहाँ पे अभी ये ला रहा है तो माइनस ट्वेंटी टू एक्स एक्स इंटू माइनस ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर और फिर माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी टू एक्स, तो प्लस साइन चेंज ये कैंसिल, ये हो जाएगा देखो तो वन ट्वेंटी एक्स माइनस वन ट्वेंटी, अभी यहाँ से माइनस वन ट्वेंटी तो ये क्या हो गया माइनस नहीं प्लस, तो वन ट्वेंटी एक्स पूरा बराबर आ गया माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन ट्वेंटी, साइन चेंज माइनस प्लस पूरा कट के क्या हो गया जीरो। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन के एक्स स्क्वायर
-22x + 120। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, सीख लो यहाँ पे 1 है ना, जरा एक काम करो 1 × 120 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 120। किस दो का मल्टीपल 120 आता है? एक तो 1 × 120, एक 2 × 60। घूमते बैठे 14, 4 × 30, 5 × 24, 6 × 20, 8 × 15, क्या नाम है, बहुत हो गया, फिर जाओ लो आगे क्या है, आगे 12 आ गया, बस हो गया, इतना ही था। अब देखो, अब यहां पे मिडिल में क्या है, मिडिल में बताओ क्या है, मिडिल, मिडिल में क्या है, मिडिल में 22 है। अब किसको प्लस माइनस करने पे 20 आ रहा है, इसको प्लस माइनस करके 22 नहीं आएगा, है ना, 22 ला रहा है ना, माना 22 ला रहा है। तो ये देखो, ये देखो, यहां देखो 10 + 12 = क्या आ गया 22। अब समझ में आ गया, कोसेंट लिख लिया मैंने वहां पे, इसको मिटा दे, कोसेंट पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब जरा देखो कोसेंट डिसाइड करेगा तो बाकी का दो क्या होगा, है ना, तो 22 10 और 12 अब ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर, इधर क्या लिखे 10 और 12 साथ में x फिट कर दो, और इधर क्या है +120। अच्छा वो बताओ वहां पे -20 है ना, तो माइनस करना पड़ेगा, इतने तो समझदार हो ना कि इसके भी आफत है कि सर माइनस माइनस क्यों लगाया, इसके पहले माइनस प्लस क्यों लगाया था, इतनी बुद्धि तो है ना टाइम में आपके, तो -22 आगे नहीं आ गया। अभी यहाँ पे x कॉमन लो तो x -10, और यहाँ से माइनस क्या कॉमन लो 12 कॉमन लो तो क्या हो गया x -10। तो ये देखो तो x माइनस टेन और x -12 दो फैक्टर जिंदाबाद। पहले एक और कौन सा आया था, पहले x -1 था जिससे हमने डिवाइड किया था, फिर x -10 और x -12, ये तीन फैक्टर आ गए। अब समझ में आ गया डिवाइड करके कैसे निकालें, तो तीन क्वेश्चन बताएंगे बस, हो गया।